और चलिए रुक करेंगे आज की चार सबसे बड़ी खबर का। देखिए आज क्या समाधान निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देश भर में ड्राई रन आज से शुरू होने वाला है। और साथ ही बात होगी बर्ड फ्लू की, जिसका कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बात होगी पश्चिम बंगाल की राजनीति की, क्योंकि बंग की जंग में अब बिल्ली की एंट्री हो गई है। तो ये चार बड़ी खबर जिस पर जी हिंदुस्तान की नजर लगातार बनी हुई है। और चलिए सबसे बड़ी बात, सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई अपडेट की। किसान आंदोलन का आज 44वां दिन है। वार्ता आज होनी है, दोपहर 2 बजे सरकार और किसानों के बीच बड़ी बैठक आज दिल्ली में होनी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे बैठक होनी है। सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की वार्ता होगी। सिंघू बॉर्डर से 40 किसान संगठन नेता विज्ञान भवन जाएंगे और दोपहर 12 बजे 2 बसें के जरिए ये लोग रवाना होंगे। कृषि कानून और एमएसपी पर अहम वार्ता आज होने वाली है। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। एमएसपी पर खरीद की गारंटी की मांग की जा रही है। तीनों कृषि कानून को रद्द करने से सरकार का साफ इनकार है। तो देखिए चार मसले जो कि किसानों की तरफ से उठाए गए थे। बिजली और पराली का मसला हल हो चुका है। 30 तारीख को जो बैठक हुई थी, आज 9वें दौर की बातचीत है, जिसमें 2 मांगे प्रमुख तौर पर किसानों की तरफ से एक बार फिर से रखी जाएगी। एक तो कृषि बिल की वापसी और दूसरा एमएसपी पर गारंटी। तो देखिए किसानों के साथ बैठक से पहले कृषि मंत्री का बड़ा बयान सामने आया, कृषि कानून को रद्द करने की मांग नहीं मानेंगे। ये नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि इसे छोड़कर हर मांग पर विचार करने के लिए हम तैयार हैं, सरकार तैयार है। आज किसान और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह साफ कहा कि आप सुझाव दीजिए, संशोधन के लिए हम तैयार हैं, लेकिन कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। ये कानून बन चुका है, आप इसे देखिए, अपनाइए, अगर कोई कमी दिखती है तो संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं। तो कृषि कानून को रद्द कराने की मांग नहीं मानेगी सरकार, ये नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कर दिया है। अब देखना होगा कि किसान और सरकार के बीच आखिर बात बनती कैसे है। किसान आंदोलन के 44वें दिन यानी कि आज सरकार और किसान नेताओं के बीच होने वाली 9वें दौर की वार्ता का क्या नतीजा निकलेगा, ये तो बैठक के बाद शाम तक पता चलेगा। लेकिन बैठक से पहले किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश जरूर की है। दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने उम्मीद जताई है कि आज सरकार के साथ ठीक ठाक बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इस दौरान वो भी बैठक से पहले सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन के आगे की रणनीति का खुलासा करने से बाज नहीं आए। वार्ता होनी चाहिए कल ठीक ठाक, क्योंकि वे कह के गए थे उस दिन जब पहली बार गए तो उन्होंने कहा था कि हम विचार करेंगे इस पे बिल वापसी लेने पे और हम बताएंगे आपको अगली तारीख में। गुरुवार को किसान आंदोलन को लेकर नानकसर गुरुद्वारा के प्रमुख बाबा लखा सिंह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और कहा कि सरकार किसानों की हर बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन लगता है कि किसान यूनियन विवाद का समाधान नहीं चाहती। और हम कोई ना कोई नई प्रपोजल लेकर ये मसले में कोई ना कोई कोई तरीका सोचेंगे, ढूंढेंगे और इसको जल्दी तो जल्दी हल करने की कोशिश करेंगे। और मंत्री साहब ने मुझे विश्वास दिलाया कि जो आप जैसे करेंगे हम आपके साथ हैं। इस बीच 9वें दौर की वार्ता से पहले पंजाब से कांग्रेस सांसद जसवीर सिंह गिल ने किसानों को भड़काने वाला बयान दिया है। उनका कहना है कि जब तक कृषि मंत्री और पीयूष गोयल किसानों से बात करेंगे बात नहीं बनेगी, जबकि पीएम के साथ आधे दिन में रास्ता निकल आएगा। मैं तो पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ, जब तक ये तोमर और पीयूष गोयल वगैरह बात करेंगे इस मसले का बिल्कुल हल नहीं निकलेगा। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने किसानों से मिल लिए, बात कर ली, उसी दिन हल निकल आएगा। 43 दिनों से आंदोलन पर बैठे किसान नेताओं की एक ही जिद है कि कृषि के तीनों कानून रद्द हों, जबकि बैठक से पहले कृषि मंत्री ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अगर किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कहा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को छोड़कर सरकार किसानों के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मतलब साफ है, सरकार कृषि कानून को रद्द करने के मूड में बिल्कुल नहीं है और किसानों को कृषि कानूनों को रद्द करने से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं। लिहाजा आज 9वें दौर की बातचीत का नतीजा क्या होगा ये कहना बेहद मुश्किल है।
ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो किसान और सरकार के बीच नौवे दौर की बातचीत होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार के सामने शक्ति प्रदर्शन भी किया है। किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया और सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस ट्रैक्टर रैली को 26 जनवरी को किसान गणतंत्र मार्च का रिहर्सल माना जा रहा है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से किसानों ने ट्रैक्टरों पर सवार होकर हाईवे की ओर कूच किया। किसान नेताओं का दावा है कि इस मार्च में 60,000 ट्रैक्टर शामिल हुए। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर तक किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर अलग अलग जगहों पर निकले और सरकार को अन्नदाता की ताकत दिखाने की कोशिश की। कोंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर भी किसानों ने ट्रैक्टर रैली की। किसानों का मानना है कि उनके इस तरह ताकत और समर्थन दिखाने से सरकार पर दबाव बढ़ेगा। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से वार्ता के जरिए रास्ता निकलने की बात कही। और बड़ी खबर आपको बता दें कि किसान और सरकार के बीच बैठक से पहले कांग्रेस ने भड़काऊ बयान दिया है। कांग्रेस सांसद जसबीर गिल ने बयान दिया है कि जब तक तोमर और गोयल बात करेंगे बात नहीं बनेगी, ये बयान दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। और पीएम मोदी बात करेंगे तो शायद समाधान निकल जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से किसान आंदोलन पर जो कि कांग्रेस लगातार अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करती रही है, अब ये भड़काऊ बयान कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस सांसद जसबीर गिल की तरफ से कहा गया कि जब तक तोमर और गोयल बात करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। तो देखिए, आज ट्रैक्टर रैली के जरिए किसानों ने एक तरफ शक्ति प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन से कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका भी जताई है। कई गंभीर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि केंद्र सरकार क्या कुछ कदम अपने स्तर पर उठा रहा है, इसके बारे में विस्तार से रिपोर्ट दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान चेताया कि अगर किसान आंदोलन में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा तो हालात तबलीगी जमात जैसे हो सकते हैं। दरअसल पिछले साल कोरोना के शुरुआती संक्रमण के दौरान तबलीगी जमात यानी मरकज चर्चा में तब आया जब दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके की एक मस्जिद से 2000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया था। इनमें ज्यादातर कोरोना संक्रमित निकले। यहां से गुपचुप भागने वाले 14,000 से ज्यादा लोगों ने देश भर में संक्रमण फैलाया। इससे जुड़े मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आशंका जताई कि किसान आंदोलन में भी कहीं तबलीगी जमात की तरह दिक्कत ना हो जाए। कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि तबलीगी मामले से क्या सबक लिया। कोर्ट ने कहा कि किसान आंदोलन वाली जगह पर भी है कोरोना फैलने का डर, इसीलिए सरकार ये तय करे कि वहां कोरोना गाइडलाइंस फॉलो की जाए। तो देखिए, एक तरफ किसान आंदोलन में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली के बुराड़ी के कुछ किसान खेती करने में लगे हैं। किसान आंदोलन का 43वां दिन भी बीत गया। इस दौरान एक तरफ जहां किसानों की ट्रैक्टर रैली नजर आई, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के बुराड़ी में आंदोलन के लिए जमे किसान खेती करते नजर आए। जी हां, दिल्ली के बुराड़ी में जिस निरंकारी मैदान को पहले प्रदर्शनकारी किसानों ने ओपन जेल कहा था, अब वहीं पर ये किसान खेती कर रहे हैं। किसानों ने यहां प्याज की खेती शुरू कर दी है। और क्या करेंगे, पहले तो काम तो करना ही है ना, तो फिर दिखाएंगे प्रधानमंत्री को हम तो यहाँ जाते हैं जनता वहीं अपनी फसल, चाहे राजस्थान के डिब्बों में जाएं चाहे दिल्ली में आए, तो फसल तो उगा लेते हैं। दरअसल कृषि बिल के विरोध में किसान जब दिल्ली की तरफ आ रहे थे तब उन्हें सिंघू टिकरी सीमाओं पर रोक दिया गया था। किसान जंतर मंतर या रामलीला मैदान जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें बुराड़ी ग्राउंड में जाकर प्रदर्शन की इजाजत दी गई थी। उस समय लगभग 400 किसान बुराड़ी ग्राउंड आ गए थे, तब से ये किसान यहीं डटे हैं। प्याज की फसल तो लग गई, इससे किसानों का हौसला बुलंद है और आगे वो पूरे बुराड़ी मैदान को हरियाली में बदल देना चाहते हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं किसान टॉप 10। किसान आंदोलन का आज 44वां दिन, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी।
केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच आज होगी नौवें दौर की बातचीत। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी बैठक। कहा जा रहा है कि नौवें दौर की बातचीत में सरकार की ओर से कुछ नए प्रस्ताव किए जा सकते हैं पेश। कृषि कानून और MSP पर होगी बातचीत। नारेसर गुरुद्वारा के प्रमुख बाबा लखमाल ने सरकार के किसानों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। तोमर ने कहा कि कानून रद्द करने की बात छोड़कर सभी मांगों पर करेंगे विचार। पंजाब बीजेपी के नेताओं ने अमित शाह से की मुलाकात। कहा लेफ्ट नेता हनन मोहला और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव नहीं होने दे रहे हैं समस्या का समाधान। आंदोलनकारी किसान संगठन ने निकाली ट्रैक्टर रैली। पंजाब हरियाणा राजस्थान और यूपी के किसान भी हुए शामिल। किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च। टिकैत ने कहा सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो 2024 तक डटे रहेंगे। सिंघू बॉर्डर से भी आंदोलनकारी किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। बड़ी संख्या में शामिल हुए ट्रैक्टर किसानों के। ट्रैक्टर मार्च में कैनेडा का झंडा। पेरिवेरल एक्सप्रेसवे पर जा रही ट्रैक्टर रैली में लहराया गया कैनेडा का झंडा। कृषि कानून के खिलाफ देवास में कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली। पुलिस ने रोकने पर जमकर किया हंगामा। प्रदर्शन के दौरान बेहोश हुए कई नेता। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बंद की जग में बीजेपी ने नया दांव खेला है। एक मुट्ठी चावल कैंपेन लॉन्च करेंगे जेपी नड्डा। कल पूर्वी वर्धमान का दौरा करने जा रहे हैं जेपी नड्डा और किसानों को लेकर बीजेपी ने अपनी खास रणनीति तैयार कर ली है। गरीब किसान मथुरा मंडल के घर लंच करेंगे जेपी नड्डा। तो बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की राजनीति में किस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे इस वक्त चुनावी मैदान में है और देखिए बीजेपी का ये नया दांव, एक मुट्ठी चावल कैंपेन लॉन्च करेंगे जेपी नड्डा। कल पूर्वी वर्धमान का दौरा किया जाएगा। किसानों को लेकर बीजेपी ने जो खास रणनीति बनाई है वो रणनीति अब देखने को मिलेगी। गरीब किसान मथुरा मंडल के घर पर लंच भी करेंगे जेपी नड्डा। इससे पहले अमित शाह का जब दौरा हुआ था तो पूरे लाव लश्कर के साथ इस दौरे की शुरुआत हुई थी और वहां भी किसान के घर लंच किया था। और अब जेपी नड्डा का दौरा, वो भी गरीब किसान मथुरा मंडल के घर लंच करेंगे। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति किस तरीके से गर्माती हुई दिख रही है, क्योंकि मुख्य मुकाबला जो इस वक्त दिख रहा है वो TMC और बीजेपी के बीच है। TMC एक तरफ, जहां पर ममता दीदी को बड़े पे बड़े झटके लग रहे हैं। उनके तमाम गद्दावर नेता, तमाम सांसद, विधायक पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।